Good morning students, so today we will see in ENV chapter number 19 in that very short answer question. First, look at the sketch carefully and write how many of the following are there. अब ये आपको स्केच दिया है, फिर यहाँ हमें दिया है स्कूल्स, पार्क्स, वाटर टावर, हाउसेस, टेम्पल्स, पोस्ट ऑफिस. अब आपको स्केच में से ये सारी जो हमें कीज़ दी है, यानी कि ये सारी जो सिंबल्स दिए हैं, वो हमें काउंट करके देख के बताना है कि स्कूल्स कितनी हैं, पार्क्स कितने हैं, वाटर टावर कितने हैं. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट है स्कूल. तो स्कूल कहाँ है इसमें, अब हम स्कूल फाइंड करेंगे. तो आप फाइंड करो तो हमें स्कूल कहाँ पे दिखेगी. ये रही स्कूल, एस लिखा है इसलिए क्या है स्कूल. तो स्कूल कितनी है, ओनली वन. फिर पार्क, तो पार्क काउंट करेंगे. तो इसमें पार्क हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ ट्री दिए हमें तो वैसे काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5 कितने पार्क्स है, 5. देन नेक्स्ट इज वाटर टावर. ओके, तो वाटर टावर का सिंबल क्या होगा, ये. तो क्या है, 1, 2, 3 कितने वाटर टावर्स है, 3. फिर हाउसेस काउंट कर, तो हाउसेस कितने हैं, ओनली 1 and 2 हाउसेस. फिर टेम्पल्स काउंट करेंगे, तो टेम्पल्स कितने हैं, 1, 2, 3 कितने टेम्पल्स लिखेंगे, 3. और फिर पोस्ट ऑफिस, तो इसमें से पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये. पोस्ट ऑफिस कितनी है, ओनली 1. ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर्स. क्वेश्चन 1, हाउ डू वी लोकेट प्लेस इन अ सिटी, अ कॉलोनी. हमें अगर सिटी में जाना हो, सिटी में कुछ फाइंड करना हो, या कॉलोनी में कुछ फाइंड करना हो, तो हम किस कैसे हम उसको लोकेट करेंगे, कैसे माइनस मतलब कैसे हम उसको फाइंड करेंगे. तो आंसर, वी लोकेट प्लेस ए सिटी में कैसे होगा, इन अ सिटी विद द हेल्प ऑफ रोड मैप. हम अगर सिटी में कुछ फाइंड कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से होगा, रोड मैप से. फिर भी इन अ कॉलोनी विद द हेल्प ऑफ कॉलोनी मैप. और कॉलोनी में अगर हमें जाना तो कौन सा कैसे हम जाएंगे, कॉलोनी मैप की हेल्प से. सिटी में जाना हो तो रोड मैप की हेल्प लेंगे, और कॉलोनी में जाना हो तो कॉलोनी मैप की. ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट इज लैंडमार्क, हाउ डज इट हेल्प अस. लैंडमार्क क्या है और वो हमें कैसे हेल्प करता है. अ लैंडमार्क इज समथिंग दैट कैन क्लियरली सी फ्रॉम अ डिस्टेंस. लैंडमार्क का मतलब क्या है कि अगर हम दूर भी खड़े रहें ना तो भी हमें वो अच्छे से दिखाई दे, इसको क्या कहेंगे हम, लैंडमार्क. जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, वो इतनी बड़ी है और हम इतने दूर से आ रहे होते हैं तो फिर भी हमें वो दिखती है, तो वो क्या हुआ, लैंडमार्क. इट हेल्प्स यू टू नो वेर यू आर. और वो हमें क्या हेल्प करता है, हमको उससे पता लगता है कि हम कौन सी जगह पे हैं. नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स. क्वेश्चन 1, व्हाट आर द 4 डायरेक्शंस, बी व्हाट आर देयर पोजीशंस ऑन द मैप. ओके, तो क्वेश्चन 1 है कि 4 डायरेक्शंस कौन सी है. तो फर्स्ट है, द 4 डायरेक्शन आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. बी और फिर भी क्या है कि उसकी पोजीशंस कहाँ है मैप में, उसकी पोजीशन कहाँ पे, मतलब उसकी जगह कहाँ पे. तो ऑन अ मैप द टॉप शोज द नॉर्थ, मतलब जो यहाँ टॉप पे होता है वो क्या होता है, टॉप पे नॉर्थ. फिर एंड द बॉटम शोज द साउथ, टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ. फिर ऑन अवर राइट इज ईस्ट एंड अवर लेफ्ट इज वेस्ट. ओके, तो हमारी जो राइट साइड है वहाँ क्या होगा, ईस्ट, और हमारी लेफ्ट साइड हो वो क्या होगा, वेस्ट. यानी क्या हुआ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसे 4 होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. फिर क्वेश्चन 2, मैप्स शो बाउंड्रीज, मैप हमें सीमाएं भी दिखाती है. डू यू थिंक बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सीमाएं वो बहुत ज़रूरी हैं. कैन वी ऑल लिव इन पीस ऑन दिस अर्थ, हम शांति से रह सकते हैं इस अर्थ पे विदाउट बाउंड्रीज, सीमा के बिना हम शांति से रह सकते हैं.
आंसर यस बाउंड्रीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे मेक माई हाउस सेफ। हाँ सीमाएँ ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे हाउस सेफ रखते हैं। अगर कोई आतंकवादी या वगैरह आ जाए तो अगर सीमा होगी तो उसके बाहर तो आ नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो आर्मी होगी, इसीलिए क्या सीमाएँ ज़रूरी है। यस वी ऑल कैन लिव इन पीस ऑन दिस अर्थ विदाउट बाउंड्रीज ऑफ कास्ट रिलीजन रिच एंड पुअर एक्सेट्रा। हाँ लेकिन वो सीमाएँ हमारे देश के लिए है, लेकिन ये सीमाएँ कि हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, हम गरीब है या अमीर है, वो जो सीमाएँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो होगी तो हम शांति से नहीं रह पाएंगे, अगर वो नहीं होगी तो हम अच्छे से रह पाएंगे। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट ऑल द पीपल ऑन दिस अर्थ एंड लिव पीसफुली। हमें यहाँ अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं सारे को प्यार करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए और सारे लोग को हमें सेम ही समझने चाहिए। उसकी कास्ट, उसके धर्म, उसकी जाति, वो अमीर है या गरीब, वो देख के हमें उसके साथ रिलेशन नहीं बनाने चाहिए। सब सेम ही होते हैं। अगर ये होगा तब भी हम इस धरती पे हम शांति से रह सकते हैं। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।